जैसे ही आर्यन ने श्रेया से कहा कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, आर्यन का हाथ पकड़कर श्रेया ने उसे कार में बैठा दिया। स्कूल आते ही श्रेया ने आर्यन को स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के हवाले किया और फोन पर बात करते हुए फिर से कार में बैठकर चली गई। आर्यन चुपचाप स्कूल के स्टाफ को देख रहा था। जैसे ही आर्यन क्लासरूम में पहुंचा, मिश्का दौड़कर आर्यन के पास आई और उसे कहने लगी, आज यश तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम देख लेना, आज तो तुम जरूर रोते हुए चिल्लाने लगोगी। आर्यन ज्यादा बातें करने वाला बच्चा नहीं था, इसलिए वो सिर्फ गुस्से से मिश्का की ओर देखने लगा। जैसे ही किनरी टीचर क्लासरूम में आई, किनरी टीचर का ध्यान बेंच पर बैठे आर्यन पर पड़ा। वो आर्यन के पास आई और फिर उसे गौर से देखते हुए कहने लगी, वाह, आज नन्नी परी रिया तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। थोड़ी देर क्लास अटेंड करने के बाद क्लास में एक 10 मिनट का इंटरवल ब्रेक अनाउंस हुआ। आर्यन टीचर से परमिशन लेकर क्लासरूम से बाहर जाने लगा। आर्यन ने रिया का स्कूल यूनिफॉर्म तो पहन लिया था, मगर वो ये भूल गया कि उसे टॉयलेट यूज करते वक्त गर्ल्स टॉयलेट में जाना था। क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद आर्यन दौड़कर अपनी आदत अनुसार बॉयज वॉशरूम में चला गया। यश, जिसे अपनी क्लास में भी 10 मिनट का ब्रेक मिला था, वो अपनी क्लास से निकलकर रिया की क्लास के पास रिया को ढूंढने आया था। जब उसने देखा कि रिया अपनी बेंच पर नहीं बैठी है, तो वो स्कूल कॉरिडोर में रिया को ढूंढने लगा। फिर उसे लगा कि इससे पहले कि रिया को ढूंढा जाए, क्यों ना अपने आप को हल्का कर लिया जाए। यश वॉशरूम यूज करने के लिए बॉयज टॉयलेट के अंदर गया। रिया को बॉयज वॉशरूम में देखकर यश जोर से चिल्लाने लगा, तुम सचमुच लड़का बन गई, तुम सचमुच लड़का बन गई। आर्यन को तभी इस बात का एहसास हुआ कि वो जल्दी जल्दी में बॉयज वॉशरूम यूज कर रहा था। जैसे ही आर्यन का नेचर कॉल खत्म हुआ, आर्यन बड़े ही शांति से बिना यश को देखे वॉश बेसिन में अपने हाथ धोने लगा। यश पीछे खड़े रहकर मिरर में आर्यन को देखकर कहने लगा, कल तक तो तुम एक लड़की थी, आज लड़का कैसे बन गई? चैलेंज पूरी करने के लिए तुमने अपने आप को लड़के में बदल दिया। बिना कुछ कहे बड़े ही एटीट्यूड के साथ आर्यन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर यश आर्यन से पूछने लगा, क्या तुम सचमुच इतनी शक्तिशाली हो कि अपने आप को लड़के में बदल सकती हो? तो फिर क्या तुम फिर से कल लड़की बनना चाहो तो लड़की भी बन सकते हो? हल्की सी स्माइल देते हुए आर्यन ने फिर से यश के इस सवाल पर हाँ में सर हिला दिया। आर्यन का जवाब देखकर यश अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यश अपने दोनों हाथ आर्यन के सामने झुकाकर कहने लगा, मैं कबूल करता हूँ कि आज से तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। और फिर यश को उसके हाल पर छोड़कर आर्यन फिर से अपनी क्लास में चला गया। जैसे ही आर्यन क्लास में अपनी सीट पर जाकर बैठा, मिश्का आकर आर्यन की आंखों में देखने लगी, मगर वो ये जानकर हैरान हो गई कि आर्यन की आंखें तो बिल्कुल सूखी थीं। दरअसल जब मिश्का ने ये देखा था कि यश रिया को पागलों की तरह पूरी स्कूल में ढूंढ रहा था, तो उसे इस बात का यकीन हो गया था कि जब भी रिया उसे बाहर मिलेगी, यश उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि रिया रोते हुए क्लास के अंदर आएगी। मगर इस वक्त रिया की आंखों में उसे पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आई, जो देखकर मिश्का हैरान हो गई। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद यश दौड़कर क्लासरूम के अंदर आया और रिया की टेबल पर एप्पल जूस रखते हुए बोला, बॉस, आपके लिए एप्पल जूस, अगर आपको ये नहीं पसंद हो तो कल से ऑरेंज जूस लेकर आऊंगा, आप बस मुझे बता दीजिएगा कि मुझे क्या करना होगा। यश के मुंह से रिया के लिए ऐसी बातें सुनकर पूरा क्लास शॉक हो गया था। अचानक ही पूरी क्लास में शांति के बीच मिश्का के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मिश्का को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। जो लड़का स्कूल का सबसे खतरनाक स्टूडेंट माना जाता था, आज उसने सबके सामने रिया को बॉस कह दिया था, वो रिया जो मिश्का की सबसे बड़ी दुश्मन थी। मिश्का अपनी बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। देखते ही देखते पूरी क्लासरूम में ये बात फैल गई थी कि रिया अपने आप को लड़के में बदल सकती थी। रिया के पास ऐसे पावर हैं, ये सुनकर पूरा का पूरा क्लासरूम उसे एक अलग ही नजरिए से देखने लगा था। तभी एक छोटी सी बच्ची आर्यन के पास आई और उससे कहने लगी, हेलो रिया, मेरा नाम पिंकी गुलेरिया है। आर्यन ने उस बच्ची से पूछा, बताओ क्या हुआ, तुम क्या बात करना चाहती हो मुझसे? पिंकी गुलेरिया यश गुलेरिया की कजन बहन थी। उस लड़की की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, मगर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अटकते अटकते उस बच्ची ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे भी लड़का बना सकते हो? नहीं, कोई तुम्हें बदल नहीं सकता, भगवान ने हमें जो बनाया है वो हमारे अच्छे के लिए ही है और हमें उसी के साथ रहना चाहिए। हाँ, मेरे पास कुछ पावर है, मगर उससे मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ, तुम्हें नहीं।
आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो मुड़कर फिर से अपनी जगह पर जाने लगी। तभी आर्यन ने उसे रोक कर पूछा, पिंकी क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम बॉय क्यों बनना चाहती हो? दबी हुई आवाज में अपनी नजरें झुकाकर पिंकी ने आर्यन से कहा, अपनी मम्मा के लिए। मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं, काश तुम एक लड़का होती। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।